हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है। एंड वंस अगेन आज का दिन हैज प्रूवन कि एलईडी वेव एनालिसिस कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है एंड कितनी ज्यादा एक्यूरेट रहती है। तो गाइस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बस मेरी आप लोगों से दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने आज हमारी पिछली एनालिसिस से, मतलब पिछली वीडियो के एनालिसिस से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था गैप अप ओपन होके एक हल्का सा रिट्रेस होके हम लोग को इवेंचुअली ऊपर का मूव मिलना चाहिए, जो कि आप लोगों को अभी दिख रहा है। तो पहली जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो ये है कि जितने भी लोगों ने हमारी एनालिसिस से अर्न किया है, एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, ताकि दूसरे जो नए लोग आते हैं इस चैनल पे वो उन कमेंट्स को पढ़कर हमारी एनालिसिस को, जो हम लोग एक्यूरेसी है उसको, वैलिडेशन वो लोग उसकी देख सके, राइट। और दूसरी जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिंस एनालिसिस हमारी अच्छी हो रही है, आई वांट कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो। ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होंगे तो ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, रीच बढ़ेगी, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे एंड हम हेल्दीली ग्रो करेंगे सब मिलकर एक साथ। तो 300 लाइक्स का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, दो दिन का टाइम है, आराम से आप 300 लाइक्स तो इसको पहुंचा सकते हो, राइट। और जो भी नया आ रहा है ऑफकोर्स वो इस वीडियो को एंड तक देखने का ट्राई करना, छोटा वीडियो रहेगा तो एंड तक देखोगे, तो अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है, ट्रस्ट मी। अच्छा, ऑल्सो जो लोग नए आ रहे हैं वो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं, सारी ए टू जेड एनालिसिस आप लोगों को बता रखी है। सुबह से लेके सुबह मार्केट रेंज बाउंड था, एंड में अभी मार्केट ने मूव दिया जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, फर्स्ट सेकंड वेव बन चुके हैं, थर्ड वेव के लिए मार्केट जा रहे हैं एंड वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हुई है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। स्टार्ट करते हैं इस निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सपेक्ट किया था कि यहां से हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट हमको सुबह सुबह देखने के लिए मिला, बट इनिशियली क्या था कि मार्केट हल्का सा अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहा था इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, राइट। अब मैं सुबह से देख रहा था कि यहां पर हम लोगों को क्या ये सेकंड वेव मिल रही है, क्या ये सेकंड वेव नहीं मिल रही है, राइट। अच्छा, ऑल्सो अभी मार्केट आपको थोड़ा सा मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज होने में 17-18 मिनट्स है, बट मेरे को नहीं लगता मार्केट यहां से ज्यादा जा पाएगा, मतलब ज्यादा ज्यादा 16,050 है तो 70-75 तक जाएगा, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा। एंड इट्स वेरी क्लियर गाइस कि अभी हमारी जो थर्ड वेव है वो यहां से बननी चाहिए, तो थर्ड वेव अगर हमको बनती हुई दिखेगी तो वो 16,240-16,250 के आसपास ही बननी चाहिए। मेरा व्यू मंडे के लिए, इट इज राइट नाउ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हम लोगों ने एक एक्सटेंडेड करेक्शन देखी है, राइट। हम लोगों को एक एक्स वेव देखने को मिली थी, उस एक्स वेव के बाद हम लोगों ने एक एक्सटेंडेड करेक्शन देखी फॉर द डाउन साइड। जो हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे 950 की, वो हमको मिली 850 की, मतलब कि 100 पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग को करेक्शन देखने के लिए मिली है। एंड अब यहां से हम लोग को नया अपवर्ड ट्रेंड, एक छोटा मतलब 3 या 4 दिन का अपवर्ड ट्रेंड देखने को स्टार्ट मिल रहा है। पहली वेव बन चुकी है, तीसरी वेव यूजुअली सबसे लंबी होती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड जो कि पिछले हाइस थे यहां पे इस जोन में, ये जो थर्ड वेव है ये बननी चाहिए मंडे को, राइट। तो आई थिंक कि सेफ टू से 16,250 तक ये थर्ड वेव जानी चाहिए, वहां से टकरा के फोर्थ वेव हल्का सा रिट्रेस करनी चाहिए मंडे ट्यूजडे को, जब कभी भी ये हो 16,160-16,150 तक, और फिर फिफ्थ वेव हम लोग को 400-450 तक जाती है देखने को मिलनी चाहिए। अच्छा, 16,700 का टारगेट पर अब मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्यों? क्योंकि हमको एक एक्सटेंडेड करेक्शन देखने को मिल गया, अगर मार्केट 950-960 से बाउंस करता तो हमको ये फर्स्ट वेव थोड़ी बड़ी देखने को मिलती और थर्ड वेव और ज्यादा ऊपर देखने को मिलती, बट सिंस अभी फर्स्ट वेव हम लोग को छोटी सी देखने को मिली और थर्ड वेव से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो आई थिंक कि हम लोग को जो फोर्थ, ये जो ओवरऑल फिफ्थ वेव है ये 16,450 तक देखने के लिए मिलेगी इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। ओके गाइस, तो ओवरऑल जो मंडे के लिए मेरा व्यू है, इट इज पॉजिटिव, इट इज बुलिश एज ऑफ नाउ, एंड एवरीथिंग, एवरी साइंस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक बुलिश मंडे की तरफ, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था 34,400 का लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ऑलमोस्ट उसको रिटेस्ट करने का ट्राई किया है बैंक निफ्टी ने, 463 का लो बनाया है, वहां से ये बाउंस लिया है, बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड एक बुलिश मूव जब तक 34,850 टूटेगा। 34,850 टूटने पर हम लोग एक बुलिश मूव को देख सकते हैं जो कि 35,200-35,300 की तरफ आ सकता है, इजिली 300-400 पॉइंट्स हम लोगों को उस मूव पे देखने को मिलेंगे। तो जब भी आएगा मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा, एज ऑफ नाउ हमारी जो पकड़ है वो निफ्टी पर बहुत अच्छी चल रही है, तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग इतना ज्यादा एनालाइज ना भी करें तो चलेगा, बट ऑन दी अदर हैंड हम लोग एनालाइज करते हैं स्टिल,
ठीक है, तो आप लोगों को जो सबसे क्रूशियल लेवल है वो 34,850 का है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एलियट वेव एनालिसिस थ्योरी के ज्यादा एनालिस्ट यूट्यूब पर नहीं है अवेलेबल। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि वीकली व्यू होने वाला है, कल आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।